हाय गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में एक होड़ की न्यूज है, होड़ की न्यूज जो लगी है काफी सारी कंपनीज के बीच में वंदे भारत ट्रेन को बनाने को लेकर के। अच्छा वीडियो प्रॉपरली शुरू करूं और इससे पहले ये न्यूज ही देख लो, आर्टिकल में स्क्रीन पे ही लगा देता हूं जिसमें लिखा है कि एलस्टॉम रशियन कंपनीज और बाकी काफी तैयार है जिन्होंने बिड किया है 50,000 करोड़ की वंदे भारत की डील के लिए। अच्छा अब सबसे पहले सवाल यही होगा कि इतना ज्यादा अमाउंट की वंदे भारत, तो इंडिया में 400 वंदे भारत ट्रेन चलनी थी याद है आपको, और उन्हीं में से 200 ट्रेन के लिए बिडिंग हुई है जहाँ पे सप्लाई तो किया ही जाएगा साथ ही मेंटेन भी किया जाएगा 200 वंदे भारत ट्रेन्स को। अच्छा इसको किया किस तरह से जाएगा कि 120 ट्रेन्स ना सबसे पहले उस बिडर को दी जाएंगी जिसने सबसे कम बिड किया होगा, जिसके बाद में बची हुई 80 ट्रेन्स सेकंड लीस्ट बिडर को दी जाएंगी, यानी दो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, इतना तो अभी समझ में आ रहा है। और एक्चुअली में आपको ये चीज दिखेगी कि ऑलमोस्ट सब ने अपना कोई ना कोई पार्टनर जरूर ढूंढ लिया है इस रेस के लिए। जैसे फ्रांस का तो खैर एलस्टॉम है, उनको शायद जरूरत ना पड़े क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे, वो मेट्रो साथ ही दिल्ली मेरठ RRTS में भी ट्रेन उन्होंने ही बना के दी है। लेकिन उसके अलावा सीमेंस, BEML, टैडलर, मेधा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और टीटागढ़ वैगन्स, यानी साथ में कोलैबोरेशन के साथ इन लोगों ने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया है। यानी कहीं ना कहीं बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे ना कैसे करके वो ग्रैब कर सके, लेकिन अभी ये हो सकता है कि आपको लगे 50,000 का गणित नहीं बैठ रहा 200 ट्रेन्स के साथ, ये तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ में एक ट्रेन पड़ी। असल में जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था ना वो 26,000 करोड़। स्क्रीन पे वो आर्टिकल भी डाल दूंगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन इस बार इनकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बल्कि इनके मेंटेनेंस का भी अच्छे से ध्यान रखना है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी की बात करें तो वो 3-4 साल में ही करना है, लेकिन काम वहाँ खत्म नहीं होता है बल्कि वहाँ से शुरू होता है जो होता है मेंटेनेंस का, जो कि लगभग अगले 35 साल तक उन ट्रेन्स का करना पड़ेगा। और आई गेस जल्द ही स्लीपर ट्रेन्स भी वंदे भारत में आपको देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली ये कब शुरू होंगी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जल्द ही ये ट्रेन्स आएंगी। वैसे ये देख के अच्छा लग रहा है कि आज अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑलरेडी इंडिया में हैं, वो ना सिर्फ अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, बल्कि और कंपनीज भी इंडिया पे बैठ ले रही हैं और चाहती हैं कि इंडिया में आके वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। बाकी आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने थॉट्स जरूर। वीडियो में इतना ही, मुझसे अगर आप कुछ और पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा और ट्विटर पे जोड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा नई वीडियो में। जय हिंद।